भजन, जय सिया राम। अरे बच्चा माल पानी कहाँ हो भाई, आओ सामने आओ। आ गए गुरुदेव। क्या बोल रहा है? गुरुदेव। दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? है? अरे अपने से बड़े को गुरु जी कहते हैं, महाराज जी कहते हैं, बाबा जी कहते हैं, ले गुरुदेव कह रहे हो तुम? भाई जो आवत हमसे तो उन्हें कहा भाई ना। नहीं बच्चा, गुरुदेव कहा जाता है, गुरुदेव। बोलो गुरुदेव। गुरुदेव गुरुदेव नहीं चीनी देव। अरे गुरुदेव हमसे नहीं बना बाबा। अच्छा पहले ये बता, ये सब क्या भेष बना के आया है ये? हाँ बाबा, ये कौन सा बाबा बन गया तू? हम जानत कौन बाबा है। कौन बाबा है तू? हम हैं पेटीकोट बाबा। अरे आज तक बहुत बाबा देखे हमने, ये पेटीकोट कौन से बाबा पैदा हो गए बे? अरे तुम नहीं जानते हो, देखो बाबन पाई आफत। अच्छा और सब जाए रहे जेल। अच्छा इसीलिए तूने ये भेष बनाया है? हम बन गए पेटीकोट बाबा, ना ना हम मेहरारू महन ना मनसेदू महन। इसका मतलब कि तूने ये पहन लिया तो तुझे कुछ नहीं होगा? नया यही यही तो बन गए पेटीकोट बाबा। अच्छा तो पेटीकोट बाबा अब हम दोनों हो गए साधु। अब हम दोनों हो गए साधु। साधु नहीं बहनोई हो गए। बेवकूफ कहेगा तो वही तो कहा गुरु। अरे साधु हो गए हम लोग, महात्मा हो गए, संत हो गए हम लोग। संत संत हो गए कि लंट हो गए? ओहो तू अपनी हरकत से बाज नहीं आएगा। सुनो अब हमें कछमस सब छोड़ना पड़ेगा। एक बात बाबा सुन ले। क्या? हाँ क्या बात है बोल। सब चीज छूट जाई, अब तो बन गई जोन बाबा बनेगा है। फिर अब चलो चली बाजार। बाजार? हाँ क्या करने? हुआ सलाई मछली 3 किलो, और मछली भात पहले खावा जाए तो भी चली। ए बेवकूफ तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? देख अब इस भेष में तो ऐसी बात मत कर। और तू मछली खाने की बात कर रहा है, इतनी गंदी चीज होती मछली, कितना कांटा होता है उसमें, कहीं उसको खाया जाता है? बेवकूफ कहेगा। अरे तो यार बाबा हम इस तरह थोड़ा खाए यार। फिर कैसे खाएगा तू? अरे हम चप्पल पहन के खाब यार। हाँ चप्पल पहन कर खाओगे तो तुम्हें कांटा नहीं लगेगा, बेवकूफ कहेगा। सुनो अब जब तक हम इस भेष में रहेंगे हमें मांस मदिरा अंडा शराब ये सब त्यागना होगा, और अच्छे विचारों की ओर चलना होगा, हमें भगवान के गुणान बात करना होगा। इसलिए सुनो महात्मा तो हम बन गए, लेकिन ये दाढ़ी बाल जटा रखा लेने से कोई साधु महात्मा नहीं बन जाता। जब तक उसके आचार विचार उसके चालो चलन में परिवर्तन ना हो जाए, बदलाव ना आ जाए, तब तक वो संत नहीं कहलाता। इसलिए कुछ अगर ये भेष धारण किया है तो कुछ चौपाए उपाय जानते हो कुछ? अरे गुरुदेव तमाम जानी थी। क्या? चार पाई जानी, तखत जानी, बिंच जानी, मेज जानी, कुर्सी जानी, बेड जानी। हाँ वहाँ बिछा कर सोना है ना, चार पाई पे, तखत पे, बिंच पे, मेज पे। बेवकूफ कहेगा। अरे मैं वो चार पाई तखत बिंच की बात नहीं कर रहा बच्चा, तो? मैं वो चौपाई की बात कर रहा हूँ, जो रामायण में चौपाई लिखी होती है उसकी बात कर रहा हूँ। मान लिया हम साधु बनकर चल रहे हैं। हाँ। और हमें किसी ने रोक लिया, अपने दरवाजे बैठा लिया और कहने लगा कि महाराज हमें कुछ ज्ञान की बात बताओ, कुछ भजन कीर्तन सुनाओ, तो फिर हम क्या करेंगे? इसलिए कुछ चौपाई उपाई आती है तो सुनाओ। हम जानी तो ढेर बाबा है, फिर मुला कौन तरह कहा जाता है या नहीं जानी। अच्छा मतलब चौपाई जानते हो पर ये नहीं जानते कि चौपाई कैसे कही जाती है। हाँ। और तुम का याद हुआ बाबा तो तुम सुनाओ तो हम सीखी तो फिर। अच्छा ये बात है। हाँ।
तो ठीक है, सुनो हम चौपाई कह रहे हैं उसी तरह तुम भी कहना, ठीक ठीक है। सुनो, हरे राम राम कहो बारम बारा, और चक्र सुदर्शन है रखवारा। तो यहाँ चार पाई कई, हाँ यही तरह तो हम ढेर जाने थे। अच्छा हाँ? सुनाओ जरा। ले बाबा सुनो। सुनाओ बच्चा जरा सुनाओ। ले गुरुजी ले सुनो। हाँ हाँ सुनाओ जरा भाई। ले सुनो। अरे कहते कबीर सुनो भारी, ओ एक मेहरारू का देखा नंगी। ए! अरे मूर्ख कही गए, ये कैसी भाषा बोल रहा है, क्या कह रहा है? अरे ये कौन सी चौपाई कह रहा है, एक मेहरारू को देखा नंगी। अबे किसको देखा है, किसकी बात कर रहा है, कहीं अपनी घरवाली की बात तो नहीं कर रहा बे? अरे ठीक 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 यार, गंदी बात कर रहा है। फिर ऐसी बात क्यों कह रहा है बे, किसको देखा है तूने? नहीं नहीं जानती हूँ का, नहीं जानती हूँ का। हमने तो नहीं समझा। अरे यार वी जो ना सती अनसुईया रही, वह नंगी नंगी नहीं रही का? अरे वाह, मैं तो समझ रहा था कि तू बड़ा मूर्ख है, लेकिन तू तो बड़ा विद्वान बड़ा ज्ञानी है। तू उस समय की बात कर रहा है जब प्रभु ब्रह्मा विष्णु महेश माँ सती अनसुईया की परीक्षा लेने गए थे, उस समय की बात कर रहा है तू? आए समझ गया, तू बहुत ज्ञानवान है। और सुनो, आपका वही जमाने के बात करी थी? हाँ हाँ भाई, वही तो मैं ही सोच रहा हूँ कि बड़ा ज्ञानवान है तू, उस जमाने की बात कर रहा है। आपका वही जमाने की बात आ करी, तुम कहाँ जानो यही जमाने? नहीं 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 समझ रहा हूँ। और सुनो, और बताओ। और दीन दयाल बिरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भार। अरे बाप बाबा बनो तो टांगो छोरी, औ हम आइन यही कोरी। ए! अरे इधर आ, इधर आ, दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? कवाय हम चौपाई बता रहे हैं, तुम साले ये कोरी की बात कर रहे हो, तुम जात बता रहे हो? ये चार पाई तो है। हट बेवकूफ कहीं का, ये कौन सी चौपाई बे, हम हैं ये हैं कोरी। सुन आज तो हमारे सामने ऐसी बात तूने कह दिया, अब भविष्य में कभी भी भूल कर ऐसी बात मेरे सामने मत कहना, जात पात की ऊंच नीच की भेदभाव की बात मत करना, समझे? सुन आज तक भगवान ने दुनिया में मनुष्य की कोई जात नहीं बनाई, और ना ही मनुष्य की कई जात होती है। सुन जात किस में होती है जानता है? कोई ना होत बाबा गुरु जी। जात होती है पशु पक्षियों में, जानवरों में, क्योंकि वो अनेकों रूप रंग के होते हैं, अनेकों प्रकार के होते हैं, उनमें जातियां होती हैं, प्रजातियां होती हैं। और मनुष्य की कौन सी जात है, देख हर मानव एक जैसा दिखाई दे रहा है ना, किसी में कोई परिवर्तन तो नहीं है? नहीं बाबा। हाँ देखो डियर मनई बैठे तो? वही तीन राड जाऊं लाग वही के आगे तक कहूं के पूछो नहीं ना। तो फिर तूने ऐसी बात क्यों कह दिया? सुन अगर आज तक भगवान ने मनुष्य में जात बनाई है तो सिर्फ दो ही जातियां ईश्वर ने बनाई है मनुष्य में, और कोई जात वात नहीं बनाई भगवान ने। वो कौन जात है बाबा? सिर्फ दो जातियां मनुष्य में होती है, एक स्त्री और दूसरा पुरुष। जान गए क्या जान गए? एक स्त्री दूसरा पुरुष। पुरुष नहीं दरोगा बट स्त्री और पुरुष मतलब कि औरत और मर्द, इसके अलावा मनुष्य की कोई जात नहीं होती। सुनो अच्छा, यूं ही बातों बातों में समय बीत जाएगा और रानी माँ
को वहाँ बड़ा कष्ट होगा, इसलिए सुनाओ भजन, और वो भजन सुनाओ जिसमें राम का नाम हो। राम वाला और क्या, अरे तो ऐसा बताओ रहेगा कि राम रहा भी माँ। हाँ राम वाला सुनाओ। अरे कहाँ जाई राम हो, कहाँ जाई राम। वाह बच्चा वाह, कितनी सुंदर भजन छेड़ा है तुमने, पहले ही राम का नाम आ गया। और का बाबा की, अरे वाह बच्चा वाह, सुनाओ सुनाओ। अरे कहाँ जाई राम हो, कहाँ जाई राम। ओ लइके जुलमी जवानिया कहाँ जाई। हे महाराज, हे महात्मा, हे बाबा जी, कहाँ जाई राम। मारूंगा एक झापड़ ना, दिमाग खराब हो जाएगा बेवकूफ कहीं का। हमने तो समझा, बड़ी अच्छी भजन सुनाने जा रहा है, पहले ही भगवान का नाम आ गया। और ये इमा राम है तो यार। अरे राम तो है, ठीक है, लेकिन ये बता ये बीच में जुलमी जवनिया कहाँ से आ गई बे। अरे यार जुलमी जवनिया ना रही तो कतो भजन नीक लागी का। ऐसी भजन साले सुनाओगे, ऐसी भजन गाओगे, कोई अपने दरवाजे बैठने नहीं देगा, कोई एक लोटा पानी के लिए नहीं पूछेगा। एक बात सुन ले बाबा, हम यही तरह का भजन जानी थी। जैसे? जैसे जींस ढीला करो। हाँ। छोट बाटे छेदा अंगूरी घसो रही दे। अंगूरी नहीं हुआ, बांस चपा दे हैं। बाजा बाजी की ना बाजी। बाजा नहीं बजेगा, हम दोनों का बाजा बजा दिया जाएगा वहाँ। लड़ाई ले। नहीं रहा दे। हम यही तरह के भजन ढेर जानी थी। रहने दे रहने दे, एक बोरी और धरे हैं। तू तो मार खाएगा और हमें भी मार खिलाएगा, बेवकूफ कहेगा। अच्छा यह बताओ बाबा जी। हाँ बच्चा जी। ये पेटीकोट बाबा ही यार की। अच्छा अच्छा पेटीकोट बाबा। हाँ हाँ चाइना बाबा। बोलो यह बताओ, तुमका कुछ भजन वजन आवत है। हाँ कुछ थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं। अगर जाना था तो हमका सुनाओ। अच्छा। और हम सीखी सुनी सीखी तो फिर हम गाई नहीं, हम यही तरह का भजन तमाम। अच्छा ये बात है। हाँ। तो ठीक है, मैं एक भजन सुनाने जा रहा हूँ। हाँ। तुम भी मेरे साथ गाओ। ठीक ठीक है ठीक, सुनो। अरे कौन जी भी आसे नबी जी, कौन जी भी आसे नबी जी, और करू वर्णन तोहरी, कौन जी भी आसे नबी जी, करू वर्णन तोहरी, कौन जी भी आसे नबी जी। वर्णन तोहरी करू, वर्णन तोहरी, अरे कौन जिभिया से नबी जी, कौन जिभिया से नबी जी, करू वर्णन तोहरी, कौन जिभिया से नबी जी। क्या भलक क्या भलक क्या भलक क्या भलक क्या भल। अरबी छैला तोहरे खातिर धरे फकीरी भेष, अरबी छैला तोहरे खातिर धरे फकीरी भेष, तनिक दया तुम हम पर करते हो, और दिखौते हो मदीना देश, और वह सपनवा मा दिखौते हो, वह सपनवा मा दिखौते हो, ओढ़े काली कमली वह सपनवा मा दिखौते हो, ओढ़े काली कमली वा सपनवा मा दिखौते हो,
गाते बजाते हम लोग चलते हैं। देख देख। काली कमली राम, काली कमली, काली कमली राम, काली कमली, अरवा सपनवा मा देखते हो, ओढ़े काली कमली वा सपनवा मा देखते हो। आओ चलते हैं, आओ चलो। हमारे इस चैनल गंगा कैसेट को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त।